गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बाजरे की खिचड़ी और वो भी हारी पे बनाएंगे। और देखिए, मम्मी आपसे कुछ कहना चाहती हैं। कूटने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम खिचड़ी बनाएंगे बाजरे की, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और लस्सी की गोजी बनाएंगे, जिसके साथ खाते हैं बाजरे की खिचड़ी को। भाई कुटोगे? तो कूट के जाएंगे, फिर आ जाओ। और ये हरा, और देखिए हरा लगा दिया है। और हमारे बच्चे आज के टीचिंग के 4 to 6 हम पढ़ाते हैं। और अभी टाइम रह रहा था 10 मिनट, तो हमने सोचा कि बाजरे को कूट के जाते हैं। थोड़ी देर मैंने कूटा, थोड़ी देर अभी पापा ने कूटा। चलो देखिए, यहाँ पर मैं लगी हुई हूँ। पहले मैंने स्टार्टिंग करी थी, पहली बार मैं कर रही हूँ इसमें पर हो गया था, बहुत अच्छा कूटा था। मम्मी ने भी कहा बहुत सही कूटा एकदम। पहले मेरा नंबर लगा था, उसके बाद मैं पढ़ाने के लिए चली गई थी, फिर थोड़ी देर अविका के पापा ने कूटा था। ये देखिए, ये मैं लगी हुई हूँ कूटने में हाथ में मेरे छाला भी पड़ गया था कूटते कूटते। मैंने बहुत टाइट से पकड़ के रखा था, मम्मी ने कहा आपने टाइट पकड़ा, इस कारण से छाला हुआ हाथ पे। और ये मूसल बोलते हैं ऐसे, ये बहुत ही भारी था। मैं तो मोम जस्ता जिसका जो होता है ना, उससे कर रही थी, पर मम्मी ने कहा नहीं, इससे अच्छा नहीं होगा। अब देखिए, अविका के पापा आ चुके हैं। उन्होंने कहा थोड़ी देर मैं करता हूँ, मम्मी के हाथ में दर्द था, नहीं तो हर बार फ्रेंड्स मम्मी ही करके लाती हैं। उस बड़े वाला जो उखल होता है ना, उसमें आज हमने मोम जस्ते में ही ट्राई किया और सही भी हो गया था, बहुत अच्छा भी सही से मुकदम लाड़ी बहुत अच्छी उतरी थी। और हम अभी पढ़ा के आ चुके थे ट्यूशन, और नवीन बैठा हुआ था इसके सामने। गेल गेल मुंडा पढ़ा रहे मैं भी तो मेरा पसरा पड़ा है ठीक है। अच्छा, मैं का? और देख, नमक नंबर की है। एक और है अभी। चलो मैं बाजरे की खिचड़ी बन रही है। बाजरा ये कहते हैं कि बहुत पावरफुल होता है, सर्दियों में अपने हमारी बॉडी को हीट देता है, ताकत देता है, एनर्जी देता है, इसलिए खाना चाहिए। फाइबर होता है बहुत ज्यादा इसमें, लोहा होता है। अबे कितने कसर रह रही है खिचड़ी में, जो बनने वाली भाई खिलाड़ी हो गई है अच्छा ये भी तेरा नंबर है। चाचू बैठे हुए हैं, तो हम कैसे बैठे ऐसे? बेटा सॉक्स पहनी हुई है। वेयर योर शूज। और ये देखिए, मम्मी पापा घूमने के लिए जा चुके हैं इवनिंग वॉक पे, सभी जा चुके हैं, अब मैं ही थी। अब ये देखिए, खिचड़ी ऑलमोस्ट 90% रन चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी एकदम उसकी कंसिस्टेंसी है, क्या लग रही है खिचड़ी। मैं सबसे कम खाती हूँ, बाकियों को बहुत ही पसंद है, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन आप ये अविका के पापा कहते हैं आप गोजी के साथ, यानी कि दूध में थोड़ी सी लस्सी मिला के, जब ये ठंडी हो जाती है ना तो उसे गोजी बोलते हैं, वो मिला के लोग बना के खाते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, सभी को, सभी की फेवरेट है, मुझे देर में और बन जाएगी। और ये देखिए क्या बहुत ही अच्छी लग रही है, मैं थोड़ी सी खाती हूँ घी डाल के, बस उसी में मेरा पेट भर जाता है। ये देखिए, मैं दोबारा से इसे चला रही थी, बीच में मैं और काम करने चली गई थी। अब देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गई है हमारी बाजरे की खिचड़ी। इसके अंदर हमने मूंग की दाल, चने की दाल, चावल और बाजरा डाला है, और सिर्फ नमक डाला है। ये देखिए क्या बात है, बहुत ही अच्छी घुटी है, एकदम परफेक्ट।
और जो खुशबू आती है ना भीनी भीनी सी। अब देखिए फ्रेंड्स, मम्मी को मैंने थाली दे दी थी, मम्मी सभी की प्लेट लगा रही है, खिचड़ी डाल रही है। मम्मी ही डाल के देती हैं सभी को बाजरे की खिचड़ी। ये देखिए मैं थाली पकड़ा रही हूँ मम्मी को, और मम्मी सबकी खिचड़ी डालने लग रही है। ये देखिए सारी सबकी खिचड़ी डल चुकी है, और ये मेरी खिचड़ी डल रही है। भाई कड़छी नहीं, ये अभी का की है, बस बस। और घी काटू फिर? तो चलिए अब डिनर करते हैं। सबकी प्लेट मम्मी ने लगा दी है, और घी भी ऑलमोस्ट सबकी प्लेटों में फुल कर दिया है। और चलिए अब पकड़ाती हूँ मैं थाली अंदर, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। चलिए मीठी लोली है, और अब ये देखिए पीछे आपको सुनाई दे रहे होंगे मकान में गम, हमारे समाधि वाले बाबा में आरतियाँ चल रही हैं। बहुत ही अच्छा लगता है शाम को, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट हो जाता है। और ये मेथी ली थी हमने छाल, हाँ, और अब मैं इसे वॉश कर रही हूँ और सुबह बनाएंगे। देखिए धोने के बाद अब इसको मैं सिंक में रख देती हूँ ताकि अच्छे से निचुड़ जाए इसका पानी, और इस पर छलने से इसको कवर कर दूँगी जब इसका पानी निचुड़ जाएगा। आज के व्लॉग में फ्रेंड्स इतना ही।